गाइस स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड ये यहाँ पर आप देखोगे जम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर एक कंपनी है और स्टॉक आपको नॉन स्टॉप टूटते हुए नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर लगभग सेवेंटी फाइव परसेंट की जो है बिग फॉल देखने को मिल रहा है अपने बाउंडवी खाए से जो कि एक सौ के आसपास है वहां से आप देखोगे स्टॉक में काफ़ी बड़ी करेक्शन होती हुई नज़र आई है वहीं आप देखोगे स्टॉक आपको ए एस की फर्स्ट स्टेज में देखने को मिल रहा है जो कि आपको ये नौ तारीख को या 9 फेब को एक्टिव हुआ था और उससे पहले ये स्टॉक आपको ए की फर्स्ट स्टेज में पहले भी एक्टिव होते हुए नजर आया दो तारीख को दो फेब को लेकिन वहाँ पर आप देखोगे शॉर्ट टर्म एस थी लेकिन अब आप देखोगे लॉन्ग टर्म ए में जो हमें स्टॉक है वो देखने को मिल रहा है तो इसकी ए अपडेट है तो चलिए भाई आपको बोला था कि ट्वेंटी के आसपास स्टॉक आए तो एवरेज करने के लिए बोला था कि स्टॉक के अंदर एवरेज करने के बारे में आपको सोचना चाहिए जब स्टॉक ट्वेंटी से डाउन जाए वहाँ तक स्टॉक आपको जहाँ पे जाते हुए नजर आने वाला है तो स्टॉक आप देखोगे ट्वेंटी पर आते हुए नजर आया है और प्रीवियस सेशन में भी स्टॉक के अंदर आपको लगभग ये एल ही लगते नजर आया था यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक में पाँच परसेंट की गिरावट हुई और स्टॉक अपना जो ना एक हर दिन एक कदम अपने न्यू बाउंड वीक लो की तरफ बढ़ाते हुए नजर आ रहा है जो कि अट्ठारह रुपये साठ पैसे का है वहाँ तक स्टॉक का जो ना वीक लो है तो वहाँ तक आप देखोगे स्टॉक जो ना भागते हुए नजर आ रहे हैं अपने बाउंड वीक लो की तरफ जो ना अंधाधुंध स्टॉक चल रहा है नीचे की तरफ ऐसे में इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हमें देखने को मिल रही हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो सौ पर उठाकर बैठे हुए हैं और शो से नीचे में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो 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 ना स्टॉक को उठाकर बैठे हुए हैं तो ऐसे में देखो भाई इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए किस लेवल पर बाइंग करके एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए किस लेवल से स्टॉक में जो ना फिर से तेजी के जो संकेत है वो बढ़ सकते हैं रिकवरी के चांसेस बने रहे हैं तो आपको डिटेल में बताएंगे बिना स्किप की वीडियो को एंड तक वॉच करना यहाँ पर आप देखोगे एन और बी में जो वॉल्यूम लगी है टू लैख प्लस में हमें वॉल्यूम लगते नजर आए यानी कि ऑपरेटर सॉरी जो पब्लिक है वो यहाँ पर अपना जो एवरेज है वो कर रही है तो ये अच्छी बात है वॉल्यूम हाई लगने लग चुकी है उसके साथ साथ आप देखोगे मार्केट कैप कंपनियां जो है वो बारह करोड़ का रह चुका है जो कि काफी हाई लेवल से टूटते हुए नजर आया था तो चलो देखते भाई इसके कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं क्या स्टॉक के अंदर फिर से रिकवरी के चांसेस हैं वो बन रहे हैं या फिर जो स्टॉक यहाँ से आपको और टूटते हुए नजर आएगा और हमें किस लेवल पर इसके अंदर जो है एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए कौन सा लेवल बेस्ट रहेगा स्टॉक के अंदर जो है ना फ्रेश एंट्री लेने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है अपनी नज़र बनाकर बैठे हुए हैं क्योंकि स्टॉक में काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका है रिजल्ट भी आपने देखोगे क्वार्टर रिजल्ट में कुछ खास हमें प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है और स्टॉक आप देखोगे नॉन स्टॉप टूट रहा है और काफ़ी बड़ी स्टॉक में गिरावट हो चुकी है और स्टॉक अपने न्यू बाउन वीक लो की तरफ हमें पर डे एक कदम बनाते हुए नज़र आ रहा है स्टॉक में ये तेजी बनी उसके बाद आप देखो स्टॉक ने थोड़े टाइम के लिए कंसल्टेंट किया ऊपर के लेवल पर इस लेवल पर लेकिन उसके बाद स्टॉक ने जैसे ही अपना जो एक लेवल था उसको तोड़ा तोड़ने के बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है नॉन स्टॉप टूट रहा है तो चलिए अभी देखते हैं कल के क्या लेवल्स होंगे उससे पहले यहाँ पर आप देखोगे रिजल्ट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब आते नजर आए हैं कंपनी का जो रिवेन्यू वो भी टूटा है और प्रॉफिट में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट था एटी फाइव करोड़ का और अब के बार लॉस में हमें कंपनी जाते हुए नजर आई है और सिक्सटी वन करोड़ के लॉस में देखने को मिल रहे हैं तो चलिए अभी देखते हैं कल के लेवल्स अब अगर बात के लेवल्स की तो उससे पहले हम देखेंगे डाटा पीसी जो पीसी का डाटा प्रीवियस सेशन में उसमें क्या देखने को मिला यहाँ पर आप देखोगे दो लाख प्लस में हमें जो ना अभी सेलिंग ऑर्ट फिर से देखने को मिल रही है और दो लाख के आपको जो है स्टॉक के अंदर वॉल्यूम लगते नजर आई तो इसका मतलब हैवी सेलिंग स्टॉक के ऊपर है और स्टॉक आपको ना ऊपर के लेवल से एल में ओपनिंग लेते हुए नजर आने वाला कल के दिन फिर से और जो डिलीवरी पॉइसन है यहाँ पर आप देखोगे हंड्रेड डिलीवरी उठाई जा रही है लोग जो है ना भाई आप देखोगे इसके अंदर एवरेज कर रहे हैं तो हमें किस लेवल पर एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए चलिए चार्ट्स पर देख लेते हैं यहाँ से तो हमें जो नेगेटिव संकेत मिल चुका है जो कि काफ़ी बड़ा नेगेटिव संकेत है दो लाख का सेल ऑर्डर देखने को हमें मिला है और वहीं आप देखोगे जो टोटल हमें वो जो सेल ऑर्डर देखने को मिलते हैं ओपन मार्केट में वो फिफ्टी लाख प्लस हमें देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं तो चलिए भाई देखते हैं अब इसके कल के क्या लेवल्स बन रहे हैं चार्ट्स के ऊपर तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ टाइम पहले हमें जो स्टॉक है वो इस लेवल के ऊपर जो ना अभी कंसोलिडेट करते नजर आ रहा था लेकिन जैसे स्टॉक ने एक लेवल तोड़ा उसके बाद स्टॉक ने नॉन स्टॉप हमें जो ना एलसी दिखाई है और स्टॉक आपको नॉन स्टॉप टूटते नजर आया है लगभग सत्तर रुपये के आसपास से स्टॉक ने टूटना स्टार्ट किया और स्टॉक आपको आज पच्चीस रुपये के आसपास आते हुए नज़र आया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है वो हमें पर डे एलसी के अंदर लॉक होते हुए नज़र आ रहा है ऐसे में हम निकालेंगे इसका जो एक साल का चार्ट है वहाँ पर आप देखोगे जो सपोर्ट इसके बन रहे हैं सपोर्ट्स रेजिस्टेंस क्या निकल रहे हैं चलिए आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पर जो इसका सपोर्ट निकला है इस लेवल के ऊपर जो कि है तेईस रुपये के आसपास का तो अगर आप एवरेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कल के दिन वेट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक के अंदर थोड़ी और करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है और ट्वेंटी थ्री का जो इसका सपोर्ट है वहाँ पर आप लोग अगर स्टॉक वहाँ पर आए हलचल होते हुए नजर आए तो उस लेवल पर स्टॉक के अंदर एंट्री लेना सही रहेगा और एवरेज करना भी आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा आपको एल के अंदर एवरेज नहीं करनी भी स्टॉक के अंदर एल लग रहे हैं और हम एवरेज करें ऐसा नहीं करना आपको जैसे ही स्टॉक आपको हलचल करते नज़र आए स्टॉक अंदर अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाए ना भाई बाइंग आते नज़र आए आपको नज़र बनाए रखनी पड़ेगी अगर आपको मोटा लॉस हुआ स्टॉक अंदर तो जैसे ही आपको हलचल होते नज़र आए उस लेवल पर आपको जो है से स्टॉक में एंट्री लेना है यहाँ पर आप जो ट्वेंटी के ऊपर स्टॉक आया हुआ है तो ट्वेंटी ट्वेंटी से ट्वेंटी से ट्वेंटी के बीच में आपको नज़र बना के रखनी होगी अगर स्टॉक इन लेवलों के बीच में कहीं पर भी आपको जो है ना भाई हलचल करते नजर आए स्टॉक के अंदर तुरंत एवरेज कीजिए और एवरेज करने के बाद आपको 10 से 15 परसेंट की तेजी के बाद स्टॉक से बाहर निकलना ज्यादा लालच नहीं करना है तो ये जो तेईस रुपए का लेवल निकला है इस लेवल को आपको नजरों में बनाए रखना है अगर ये ब्रेक होगा तो स्टॉक एक न्यू बाउंड वीको की तरफ हमें बढ़ते हुए नजर आएगा और सत्रह पैसेंट का एवरेज का नीचे में हमारा सपोर्ट निकल रहा है आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो